आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकला, तो करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनके उनको बचाने में लग जाते हैं? जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं है। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था, इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है?
इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे दो सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनके उनको बचाने में लग जाते हैं? जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है तो हम किस बात की को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ, यही तो लोकतंत्र है। कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए? लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटकाया जाता है और इतनी चीजों को फैलाया जाता है जो सच नहीं है, झूठों को फैलाया जाता है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं, इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं, ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं है। एक आदमी को रोकने के लिए इतना सारा करना पड़ा। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए, एक साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया, फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के एक हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दीजिए, सुन लीजिए, अब हम तैयार हैं। एक महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई, पर आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह वाह, अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री।
लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है, ये देश सच्चाई को पहचानता है, और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगा।